Hello everyone, today I've come up with the topic of brown rice versus white rice. So in Indian tradition, when we talk about grains, rice is the most widely consumed and appreciated. From plain boiled rice to different sort of biryanis, rice is must. Koi bhi dinner, function, party, rice to honge hi honge. और ब्राउन राइस के आजकल मार्केट में इतने ब्रांड्स आ रहे हैं बिकॉज आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड, अच्छी अच्छी चीज़ों की उनकी डिमांड आ रही है, सो नए नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं. सो व्हाट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन राइस एंड वाइट राइस. सबसे पहले तो जब राइस तैयार होता है उसकी थ्री लेयर्स होती हैं, एंडोस्पर्म, ब्रान और जर्म. इसकी ये थ्री लेयर्स होती हैं और नेचुरली जो राइस तैयार हुआ है वो ब्राउन राइस ही होता है. व्हाइट राइस में क्या करते हैं, ब्रान और जर्म ये दो लेयर्स को रिमूव कर देते हैं और उसको पॉलिश कर देते हैं और व्हाइट राइस हमारा तैयार हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों राइस में सेम ही होती है. डिफरेंस है न्यूट्रिशन लेवल में और एब्जॉर्प्शन पावर में. सबसे पहले तो मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करना चाहूंगी. ब्राउन राइस हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है. अब डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स को दोनों तरह के राइस अवॉइड करने हैं बिकॉज ऑफ जीआई. जीआई क्या है, ग्लाइसमिक इंडेक्स है. ग्लाइसमिक इंडेक्स क्या होता है, हमारा जो भी हम कोई भी फूड आइटम खाते हैं वो इमीडिएटली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को हिट करता है. तो ब्राउन राइस क्या है, लो इन जीआई है, वाइट राइस हाई इन जीआई है. सो वैसे तो डायबिटीज पेशेंट को दोनों तरह के राइस अवॉइड करने हैं, बट अगर ऑप्शन मिल रही है तो ब्राउन राइस लिए जा सकते हैं. सो न्यूट्रिशन लेवल में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले तो ब्राउन राइस इज रिच इन मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा रिच है और मैग्नीशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है. सिलीनियम में ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा हाई है. सिलीनियम का फंक्शन क्या होता है, हमारे थायराइड हार्मोन में रेगुलेशन में उसकी हेल्प करता है. मैग्नीज में ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा रिच है. मैग्नीज हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. वाइटमिन B1 में ब्राउन राइस रिच है. वाइटमिन B1 का पर्पस क्या होता है, वो हमारे फूड जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. और जिनको फैट लॉस करना है उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, उनको डेफिनेटली अपने व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करना है बिकॉज उनका टारगेट ऑब्वियसली फैट लॉस है और ब्राउन राइस हमारे फैट लॉस करने में हेल्प करता है. ब्राउन राइस में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है लिग्नन्स नाम का, जो कि हमारी आर्टरीज में अगर इन्फ्लेशन हो गया उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. ब्राउन राइस आयरन में 2 गुना ज़्यादा रिच है और 5 गुना ज़्यादा फाइबर है ब्राउन राइस में. तो अगर मैं न्यूट्रिशन लेवल का चार्ट देखें, अगर हम लिस्ट जो भी हमने डिस्कस किया तो ब्राउन राइस कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है वाइट राइस से. सो हमें ब्राउन राइस ऑब्वियसली प्रेफर करने चाहिए वाइट राइस से. इवन आई डू पर्सनली प्रेफर ब्राउन राइस. और जिन्होंने अभी तक ब्राउन राइस नहीं टेस्ट किए हैं या नहीं अपनी डाइट में ऐड किए हैं तो वो डेफिनेटली ब्राउन राइस को अपनी डाइट में ऐड करें. एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड. बाय बाय, टेक केयर.